हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा और आप हैं टेलिंग ट्यूबर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे हम अपने विंडोज का पासवर्ड को रिकवर करेंगे। अगर आप लॉगिन पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको इस वीडियो में आप सीख सकते हैं कि कैसे हम इसको रिकवर करेंगे। इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसका नाम है ISRMPSD सेटअप। ये आप यहाँ से जैसे आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो इसमें से आप यहाँ पे ISRMPSD सेटअप करके आपको जो डाउनलोड का लिंक आएगा, मैं सबसे पहले यहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको ओपन करते हैं। जैसे ही ये मेरा ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देखते हैं लिंक दिया है। दोनों में से डाउनलोड लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फाइल अपना डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और डेस्कटॉप में मेरा यहाँ पे वो फाइल पड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, इसको हम लोग जैसे ही इसको सेटअप करेंगे अपने सिस्टम में, ये क्या करेगा, कोई भी सिस्टम में आप अपने पेनड्राइव में इसको सेटअप करेंगे और पेनड्राइव में उसका फाइल को लोड करेंगे जहाँ पर भी जिस भी कंप्यूटर में आपका पासवर्ड भूल चुके हैं उसको रिकवर के लिए। तो सबसे पहले जैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमें पहले कुछ ऑप्शन पूछेगा, हम इसको यस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक पेन ड्राइव लगा के रखेंगे। मैं यहाँ पे सेटअप में ओके कर देता हूँ। एक्सेप्ट एग्रीमेंट के बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही मेरा इंस्टॉलेशन ख़त्म होगा फिर उसी सॉफ्टवेयर को हमें फिर से रन करना होगा। और हमें रन जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये क्या है, हमें पेन ड्राइव मांगेगा और हमें पेन ड्राइव को यहाँ पे पुट करना होगा। तो इसको मैं फिनिश कर दिया हूँ। लंच दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं सॉफ्टवेयर को रन किया हूँ, यहाँ पे बर्न बूटेबल CD और USB डिस्क नाम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है सेम एज दिस कंप्यूटर करके। यहाँ पे क्या है, आपका जो विंडोज है, विंडोज 10 अगर आप यूज़ करते हैं तो विंडोज 10 कौन सा बीट का है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। विंडोज XP से लेकर विंडोज 10 64 बीट तक है। तो मेरा यहाँ पे 64 बीट वाला सिस्टम को मैं रिकवर करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे 64 बीट सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन अपडेट आपको मांगेगा, यहाँ पे इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं पहले से अपडेट कर चुका हूँ जो कि मुझे नहीं चाहिए। हम यहाँ पे CD और DVD ड्राइव दिखा सकते हैं जो कि वो राइट करेगा, या तो अगर आपके पास पेन ड्राइव हो तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव को सिलेक्ट करिए, या तो ISO इमेज फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो वो फिर वहाँ से पूछेगा। हम यहाँ पे USB ड्राइव फ्लैश ड्राइव को यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे USB ड्राइव को सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो लेजी सॉफ्ट मीडिया जो है जो पेन ड्राइव को चेक कर चुका है, उसके बाद ये बता रहेगा पेन ड्राइव में कुछ डाटा है जिसको हमें बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बूटेबल के लिए फॉर्मेटिंग होना पड़ता है इस सिस्टम को, पेन ड्राइव को। तो हम यहाँ पे यस करेंगे, जो मेरा पेन ड्राइव में होगा वो पहले फॉर्मेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वार्निंग हमें दे भी चुका है, लेजीसॉफ्ट मीडिया बिल्डर इज फॉर्मेटिंग योर USB डिस्क G, पहले ये फॉर्मेट करेगा, उसके बाद हमें ये उसके अंदर सॉफ्टवेयर लोड होगा। जैसे सॉफ्टवेयर लोड होगा उसके बाद आप जो भी सिस्टम में आपका फॉर्मेट हो चुका है आप उस सिस्टम में, सॉरी जो ये जैसे ही सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा आपको क्या करना होगा, पेन ड्राइव में जो आपका डाटा है वो पेन ड्राइव को लेते हुए आप जिस सिस्टम में आपका पासवर्ड रिकवर करना है या तो फिर पासवर्ड को रीसेट करना है वो सिस्टम में लगा के हमें सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी मेरा जो पेन ड्राइव है वो रेडी हो चुका है। इसको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं पेन ड्राइव में। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे पेन ड्राइव को दूसरा सिस्टम में लगाते हुए। दोस्तों, अभी ये हो चुका है तो हम यहाँ पे F9 दबाएंगे क्योंकि मेरा HP ड्राइव है, HP लैपटॉप है, तो इसलिए हम F9 दबाएंगे ताकि ये मेरा बूट ले लेगा। अगर आपका दूसरा है तो आप इसको F12 दबा सकते हैं। अगर आपका डेल का है या तो लिनोवो का है, आपका दूसरा किसी सिस्टम का है, तो आप वहाँ पे F12 दबा सकते हैं। और जैसे हम F9 यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमें ये पूछेगा किससे आप बूट कराना चाहते हैं। तो मेरा जो USB ड्राइव है, USB हार्ड ड्राइव सोनी स्टोरेज का है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे।
जैसे हम एंटर करेंगे सबसे पहले हमें पूछ रहा है विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक या तो फिर लैसो सॉफ्ट लाइव सीडी, यानी कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर जो लोड किए थे उसी को ही हम लोगों को सबसे पहले सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद क्या होगा, मेरा पेन ड्राइव से वो फाइल लोड होगा और जो मेरा पासवर्ड रिकवर का है वो रिकवर करना शुरू कर देगा। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो आ चुका है रीसेट विंडोज पासवर्ड करके, और यहाँ पे हमें क्या करना है वही सेम चीज़ रखना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे ही करना है। तो जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे ये पूछ रहा है कि आपका ये नॉन कमर्शियल यूज़ है, तो हम इसको येस करेंगे क्योंकि हमें कमर्शियल नहीं पर्सनल यूज़ के लिए है। हम इसको जैसे ही येस करेंगे तो ये अपना लोड होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर दिखा रहा है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1064 एडिशन वॉल्यूम 1 और रीसेट लोकल पासवर्ड, और हम इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमें जो मेरा जो यूज़र आईडी है, यूज़र हम KCS में यूज़ कर रहे थे तो हम यहाँ पे KCS को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे KCS करके हम इसको ही सिलेक्ट करते हैं, और जैसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे फुल नेम पूछेगा तो मैं यहाँ पे फुल नेम पे कृष्णा दे देता हूँ, या तो फिर रीसेट अनलॉक के ऊपर हमें क्लिक कर देना है अगर आप कुछ देना नहीं चाहते हैं। द पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, हम यहाँ पे ओके कर दिए हैं, यानी कि मेरा जो पासवर्ड था अभी एक्सपायर मतलब रीसेट हो चुका है। हम देखते हैं चेंज में क्या है, अगर आप नया पासवर्ड कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, हमें कोई ज़रूर नहीं। हम इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे फिनिश करेंगे तो ये मेरा क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे विंडोज़ का जो आ रहा है हम इसको देख चुके हैं, तो इसको यहाँ पे हमें स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और रीबूट कंप्यूटर के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे रीबूट कंप्यूटर करेंगे अब देख सकते हैं रीबूट कंप्यूटर, और हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे मेरा सिस्टम रीबूट होना शुरू होगा और हम इसको ओके करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग जब पासवर्ड रीसेट किए हैं उसके बाद मेरा सिस्टम अभी ऑन हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है पहले बार, और इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों अभी ये मेरा लैपटॉप जो है ये अभी फ़िलहाल ऑन हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें पासवर्ड मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट लॉगिन हो रहा है ये ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं पासवर्ड इसको रीसेट कर दिया था। अब देख सकते हैं ये बिना पासवर्ड का ही पूरा खुल चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन अपना राय जरूर दीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।